नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए सफेदो प्रशासन जो है वो हरकत में आ चुका है। बिना मास्क के और बिना हेलमेट के ना निकलें, और मैं दिखाना चाहूँगा ठीक मेरे पीछे पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर चालान कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अधिकारी कहते हैं इस बारे में, हम जानने का प्रयास करेंगे उन्हीं से। जिस प्रकार से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसी को लेकर के पुलिस विभाग है वो कागजों की चेकिंग कर रहा है, हेलमेट की चेकिंग कर रहा है, मास्क की चेकिंग कर रहा है, और उसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधिकारी। सर, कैसे क्या कुछ लोग हैं गाइडलाइन के तहत? आप गाइडलाइन ये कि आजकल कोरोना और ओमिक्रॉन है जो वायरस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फैले हुए हैं, तो ऊपर से प्रशासन की तरफ से डिपार्टमेंट को, पुलिस विभाग को ऑर्डर है कि प्रॉपरली वाहनों की चेकिंग की जाए विदाउट मास्क की, विदाउट MV एक्ट के तहत, विदाउट हेलमेट, विदाउट नंबर प्लेट, ताकि कोई भी एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली रोका जा सके, कम से कम मतलब एक्सीडेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं, और जो कोई भी पब्लिक है, पब्लिक पर्सन है, अपने घर से प्रॉपरली सुरक्षित निकले, वो ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर ये प्रॉपरली चेकिंग की जा रही पुलिस विभाग की तरफ से। पुलिस विभाग की तरफ, यस सर। सर, जिस प्रकार से दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, हेलमेट नहीं पहन करके चलते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई प्रॉपरली अपने अगर MV एक्ट के जो प्रॉपरली रूल रेगुलेशंस का अगर आप फॉलो करते हो, जैसे ट्रिपल राइडिंग न करना, विदाउट हेलमेट जैसे ड्राइव करना, तो उससे एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, उनको प्रॉपरली रोकने के लिए, ताकि एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ कम हो और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे, और जो एरिया है या डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कोई भी क्राइम है वो भी, जैसे विदाउट नंबर प्लेट के जो वाहन हैं उनके कारण भी एरिए के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम बढ़ता है, क्योंकि वो विदाउट नंबर प्लेट के जो वाहन है वो उनको सहयोग देते हैं, क्योंकि वो ट्रेस करने में उनको दिक्कत होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से ये सतर्क प्रयास किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से वाहन जो है तेज़ गति से चलाए जाते हैं, दुर्घटनाओं का जो है सिलसिला वो लगातार जारी रहता है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, धुंध भी हो जाती है, इसमें जो वाहन चालक हैं उनको क्या कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देखो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि सुबह सुबह जैसे जो धुंध है, फोग बहुत ज़्यादा होती है, अगर ओवर स्पीड से आप वाहन चला रहे हो तो उसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए एक अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग वाहन की जो कोई भी 4-व्हीलर है या 2-व्हीलर है, जो उसकी गति सीमा तय है उसके हिसाब से ही, उसकी लिमिट के हिसाब से ही अपने प्रॉपरली उसको चलाएँ, ताकि एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके और सावधानी पूर्वक मतलब इनको कम किया जा सके। आम जनता को जिस प्रकार से लोग ट्रैफिक चलाते हैं उनको क्या कुछ कहना चाहिए, जो बाइक चलाते हैं हेलमेट की ज़रूरत है? आम जनता को तो यही मैसेज देना चाहते हैं, अपने प्रॉपरली जो MV एक्ट उनको फॉलो करें, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रिपल राइडिंग न करें, विदाउट नंबर प्लेट न चलाएँ, कोई भी ओवरटेक न करें, और जैसे कोई भी रेड जो है सिग्नल होता है उसको क्रॉस न करें, और मतलब जो सेफली जो ड्राइविंग है वो प्रॉपरली सेफली करें। सेफली करें, हाँ जी। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ से पुलिस अधिकारी जो ओमिक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं उन्हीं को लेकर के यहाँ पर चेकिंग चली हुई थी। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सफेदों।